चीन बढ़ती ताकत के घमंड में आकर इतना अंधा हो चुका है कि अब वह भारतीय टेरिटरी में आकर भारत के ज़मीन को लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है। चीन आज के ज़माने में भी विस्तारवादी नीति का पालन करता है और इसी नीति का नतीजा है कि पहले उसने हांगकांग पर कब्जा किया, फिर उसने तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया। इस कब्जे का कई लोगों ने विरोध किया, जिसमें एक बौद्ध गुरु दलाई लामा भी शामिल थे। दलाई लामा को मजबूरन तिब्बत छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह आज भी चीन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन जो अब कर रहा है उसके बारे में सुनकर यकीन मानिए आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने राज्यसभा में खड़े होकर यह कहा कि चीन ने भारत के बहुत सारे इंडियन टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश अगला डोकलाम हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग यह सुनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एमपी ने राज्यसभा में खड़े होकर चीन के बारे में क्या कहा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूँ, अगर इस इश्यू को मैं रेज नहीं करूँगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनॉग्रेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो साइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहाँ प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, साइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। साइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा, जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ, वो आसाफिला आज साइना का कब्जा में है। ऑल माजा साइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर साइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपका माध्यम से, कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में साइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, दूसरा कहीं डेवलप होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, यहाँ पर जो ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के एमपी हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली है कि हमारी मीडिया चीन को लेकर ज़्यादा कुछ दिखाता नहीं है। चीन की अब इतनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि पहले जब हमारे कोई मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या डिफेंस मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश में किसी चीज़ का उद्घाटन करने जाते थे तो वहाँ की मीडिया सिर्फ अपने लेख में ही इसका विरोध करती थी। लेकिन अब यह सब कुछ नहीं हो रहा। अब चीन की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वह डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों पर ऑब्जेक्शन करती है। उदाहरण के तौर पर, जब कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश एक ब्रिज का उद्घाटन करने गए थे, तब चीन ने ऑफिशियली यह कहा था कि आपके रक्षा मंत्री वहां क्यों गए थे, वह एक विवादित जगह है। असल में चीन इस जगह को विवादित मानता ही नहीं है, वह पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। वह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश असल में तिब्बत का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश के एमपी तापिर गांव ने यह भी कहा है कि चीन ने चगला गांव के पास एक बहुत बड़ा ब्रिज बना लिया है, जिससे चीनी सेना भारत में आती है
और वापस चली जाती है। चगलागाम वही एरिया है जहां पर चाइनीज फौज को कई बार देखा गया है, इसलिए सरकार यहां पर 2000 किलोमीटर के एक हाईवे का निर्माण करना चाहती है ताकि आर्मी यहां तक आसानी से पहुंच पाए। साल 2013 में भी चाइनीज आर्मी ने चगलागाम में घुसपैठ किया था। उस समय चीनी सेना भारत में लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक आई थी। चीनी सेना उस समय 5 दिनों तक टेंट लगाकर भारत के क्षेत्र में रही थी। इसके बाद हमारी आर्मी ने उन्हें वहां से बाहर निकाला था। मगर अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि चीन चगलागाम के 50 से 60 किलोमीटर के क्षेत्र को कब्जा कर चुका है, वहां पर अपना सैन्य कैंप भी लगा चुका है और उसकी सेना वहां पर पेट्रोलिंग भी कर रही है। चीन जिस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना रुख अपना रहा है उससे यही लगता है कि चीन के मंसूबे आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना कहा, फिर वहां के लोगों के लिए वीजा फ्री किया यह कह कर के अरुणाचल प्रदेश के लोग चीनी हैं इसलिए उन्हें चीन में आने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, और अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। भले ही वह कब्जा अभी छोटे छोटे क्षेत्र के रूप में हो, मगर मैं आपको बता दूं कि अगर चीन ने 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर आप चीन को जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जिसमें चीन के करतूतों को आपके सामने रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंचे, हर भारतीय चीन के करतूत के बारे में जाने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यह जिम्मेदारी आपकी है कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।